Hello everyone. Yesterday we saw one example of account for manager decision. We are going to see another example today of balance sheet of Harita Limited as on 31st March 2014. Here the balance sheet, liability side and asset side. In liability side, share capital given 6,50,000, capital reserve 2,500, general reserve 1,20,410, debenture and redemption reserve 42,500. Profit and loss account given 33,777. 5% debentures 1,57,500. Sundry creditors 83,900. Proposed dividend 65,000 and short term loans 25,000. Here on the asset side, the patent rights 30,000, land 1,44,000, building 2,40,000, plant 1,34,395, computers 13,575, 3% GP notes of investment, 71,400, inventory, this means our stock, 2,03,942, bank balance, 1,21,280, advance tax, 23,675, and the last one is miscellaneous expenses, 1,550. Our tally amount of our balance sheet, 11,80,587. देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, रीअरेंज द अबव बैलेंस शीट इज द फॉर्म ऑफ सुटेबल एनालिसिस एज द गिवन फॉलोइंग। इसके अंदर क्या फाइंड करना है हमें, करंट एसेट, वीक एसेट, इंटेंजिबल एसेट, फिक्सेशन एसेट, फिक्स एसेट, प्रोप्राइटर्स फंड, वर्किंग कैपिटल, टोटल फंड्स एम्प्लॉयड, सिक्योर्ड लोन एंड ओन फंड्स। सो इन द बुक्स ऑफ हरिता लिमिटेड वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2014। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, सोर्सेस ऑफ फंड, जैसे हमने कल देखा था कि सोर्सेस ऑफ फंड के अंदर क्या आता है कि हमारे प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स के अंदर फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो क्या दिया यहाँ पे, शेयर कैपिटल कितना है 6,50,000। सो सोर्सेस ऑफ फंड के अंदर क्या आएगा, शेयर कैपिटल अमाउंट क्या है 6,50,000। उसके बाद हमें दिया एड, उसके बाद क्या दिया इसके अंदर, उसके बाद फॉर्मेट में आता है रिजर्व एंड सरप्लस। सो रिजर्व एंड सरप्लस में कौन से आइटम आते हैं, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ये चारों आइटम्स कहाँ जाएंगे, चारों आइटम जाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। देखिए यहाँ पे एट रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व 2,500, जनरल रिजर्व 1,20,410, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 42,500 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 33,777। ये सब आएंगे इसके अंदर। सो पूरा टोटल कितना होता है 1,99,087, ठीक है 1,99,187 इसका पूरा टोटल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये प्रोप्राइटर्स फंड, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों की होगी एडिशन, कितना मिला आपने को 8,49,187। उसके अंदर से हम क्या करते हैं, अगर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया तो वो लेस करेंगे, नहीं तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो हमें यहाँ पे ऊपर क्या दिया है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है 1,550, जो हम अपने प्रोप्राइटर फंड्स मतलब शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस से लेस करेंगे, जो टोटल हमें यहाँ पे मिली है 8,49,187 माइनस 1,550, कितने मिले हमें यहाँ पे। सो वी विल गेट हियर अमाउंट 8,47,637। उसके बाद क्या आता है फॉर्मेट के अंदर, लोन फंड। अभी लोन फंड के अंदर कौन सा आइटम दिया यहाँ पे, देखिए लोन फंड के अंदर यहाँ पे एक आइटम दिया है जो है 5% डिबेंचर, ठीक है। सो 5% डिबेंचर कितना है 1,57,500 जो आएगा लोन फंड के अंदर, 5% डिबेंचर 1,57,500। तो इन दोनों की टोटल कितनी होती है 8,47,637 प्लस 1,57,500 पैटर्न्स राइट्स कितने हमारे, पैटर्न राइट्स 30,000, लैंड 1,44,000, बिल्डिंग 2,40,000, प्लांट
134,395, कंप्यूटर कितना है 13,575, सही हो। अब ये हमारे पूरे क्या हुए, फिक्स एसेट, ठीक है। सो कितने मिले यहाँ पे हमें फिक्स एसेट 5,61,970, इन सबकी टोटल आती है 5,61,970। उसके बाद क्या आता है फॉर्मेट के अंदर, एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर आया फिक्स एसेट, उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट क्या दिए यहाँ पे, देखिए इन्वेस्टमेंट दिया है 3% जीपी नोट्स इन्वेस्टमेंट, जिसकी अमाउंट कितनी है 71,400, उसको यहाँ पे लेना है इन्वेस्टमेंट के अंदर, इन्वेस्टमेंट अंडर 3% जीपी नोट्स, हाउ मच विल द अमाउंट गेट हियर 71,400। उसके बाद आता है वर्किंग कैपिटल, जैसे कि मैंने कल बताया था कि वर्किंग कैपिटल के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। तो उससे क्या फॉर्मेट है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। सो करंट एसेट यहाँ पे देखो दिए हुए हैं, ये हमारी करंट एसेट, इन्वेंट्री, डेटर्स, बैंक बैलेंस एंड एडवांस टैक्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमने ऑलरेडी यहाँ से लेस किया है, वो हमारी करंट एसेट नहीं होती है, ठीक है। सो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितना है 1,96,770, डेटर्स है 2,03,942, बैंक बैलेंस है हमारा 1,21,280, एडवांस टैक्स कितना है 23,675, जो यहाँ करंट एसेट के अंदर आता है, वर्किंग कैपिटल अंडर करंट एसेट, इन्वेंट्री, डेटर्स, बैंक, एडवांस टैक्स, कितना आया है सबके अमाउंट की टोटल 5,45,667। उसके बाद आता है करंट लाइबिलिटी, सो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, जो फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। सो करंट लाइबिलिटी कौन से दिए हुए यहाँ पे, हम अपने को सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रपोज डिविडेंड एंड शॉर्ट टर्म लोन्स, ये हमारे क्या हुए करंट लाइबिलिटी। सो उसके अमाउंट कितने, सन्ड्री क्रेडिटर्स 83,900, प्रपोज डिविडेंड 65,000, शॉर्ट टर्म लोन 25,000, एज इट इज यहाँ पे नीचे लेना है करंट लाइबिलिटी के अंदर, ठीक है। इनकी टोटल आती है 1,73,900। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि वर्किंग कैपिटल के अंदर करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी करते हैं, सो करंट एसेट कितना है 5,45,667 माइनस 1,73,900, कितना मिला आपने को 3,71,767। सो उसके बाद क्या करना है हमें, इन तीनों की एडिशन करनी है, एप्लीकेशन ऑफ फंड फिक्स एसेट के अंदर आता है 5,61,970 प्लस 71,400 प्लस हमें जो अभी मिला वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी लेस करके, कितना मिला 3,71,767। इन तीनों की टोटल करनी है जो आती है 10,05,137, जो इससे मैच होती है कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो समझाए।